चलें क्लासेस। हमने ऑब्जेक्ट्स को कवर कर लिया था, उसमें किया था ना कवर बुक से। उसके बाद कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी देखे, देखे कि हम किस तरह ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक बना लेते हैं और हम एक जैसे टेम्पलेट के लिए ऑब्जेक्ट अगर हमें जनरेट करना हो तो किस तरह कर लेते हैं। अच्छा, उसी चीज को ES6 में क्लासेस के साथ, क्लास के कीवर्ड के साथ डिफाइन किया गया कि क्लास, जिस तरह हम दूसरी लैंग्वेजेस में क्लासेस बनाते हैं। अच्छा, तरीके का तो वही होता है जावास्क्रिप्ट में जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन उसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग था। तो ES6 ने हमें सिंटेक्स भी वैसा ही दे दिया है जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में है, क्लासेस वाला सिंटेक्स, के क्लास के साथ हम अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं और उसके इंस्टांस बनाकर ऑब्जेक्ट जनरेट करते रहते हैं। जावास्क्रिप्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस्ड इन ECMAScript 2015, 2015 में जो ECMAScript का जो स्टैंडर्ड आया है उसमें ये क्लास का सिंटेक्स आया था। द क्लास कंस्ट्रक्टर अलाउड टू डिफाइन प्रोटोटाइप बेस्ड क्लासेस विद अ क्लीन नाइस लुकिंग सिंटेक्स। ठीक है, एक बहुत ही नाइस लुकिंग सिंटेक्स हमें मिल जाता है जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में होते हैं। इसको आप समझते हैं इस तरह, ये देखें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमने ऑब्जेक्ट लिखने हो तो हम इस तरह ऑब्जेक्ट लिखा करते थे। हमने स्टार्ट किया था कि हम ऑब्जेक्ट लिखते थे, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी और ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स हम डिफाइन कर सकते थे। मेथड्स क्या चीजें होती हैं? मेथड्स ऐसे फंक्शंस जो उस ऑब्जेक्ट के लिए ही काम कर रहे हो। ठीक है, फंक्शन तो वैसे भी हो सकते हैं लेकिन जो उस ऑब्जेक्ट के लिए ही उस पे परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद हमने देखा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। ठीक है, इधर देखें, जो काम हम इस तरह बार बार ऑब्जेक्ट बनाकर करते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते थे? हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन तैयार कर लेते थे। ठीक है, फर्ज करें हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था। ये सिंटेक्स क्लियर है अभी? अभी आपके माइंड में चीजें क्लियर है, ये किस तरह काम करती थी ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ किस तरह हम कंस्ट्रक्टर जनरेट कर सकते थे ऑब्जेक्ट्स को। के फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर तीन यूजर हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो स्टाइल जो है वो एक जैसा ही है, हर ऑब्जेक्ट में हमारे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, एज मौजूद है एज अ प्रॉपर्टी और फुल नेम, ये मेथड है हमारे पास। अब हमारे पास जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इन सारों में एक जैसी ही प्रॉपर्टीज हैं और एक जैसे ही मेथड्स है। ठीक है, तो बार बार अगर हमारे पास यहाँ पे 50 यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो हमें 50 मरतबा सेम इसी तरह का कोड लिखना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया था कि हमें एक जैसे ऑब्जेक्ट जनरेट करके दे दे बार बार, हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। उसके लिए हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने का हमने तरीका देखा था कि हम किस तरह बनाते थे। और बाद में हम न्यू पर्सन, जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखा था, हम उसके अंदर यहाँ से आर्गुमेंट पास करते थे और यहाँ पे एज अ पैरामीटर उसे रिसीव करके उसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते थे। इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी जो देखें यहाँ पर इस तरह दिखती हैं। और उसके बाद जो मेथड हम यहाँ पर लिखते थे वो हम प्रोटोटाइप के साथ, ठीक है, प्रोटोटाइप के साथ मेथड डिफाइन कर देते थे ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं वो शेयर्ड मेथड इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, क्लियर थे ना यहां तक? क्योंकि आगे उसको ही समझ लगनी है अब जिसको ये दोनों चीजें क्लियर हैं। ये चीजें क्लियर थी? अच्छा, देखें ES6 में अब इस चीज का सिंटेक्स वो कैसा लेकर आए हैं। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, हम लिखते थे फंक्शन का कीवर्ड और बाद में फंक्शन का नेम, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम। ठीक है, उसके अंदर हम इस तरह से ये डिफाइन करते थे, प्रॉपर्टीज इसकी डिफाइन करते थे। अब ES6 में क्या हुआ, हम लिखते हैं क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कीवर्ड हमने क्लास का यूज किया और बाद में पर्सन
सेम उसी तरह जिस तरह हम ES5 में करते थे, ES6 में हमने पर्सन लिखा। ये पर्सन क्या है, ये वर्ड कह लें, ठीक है, वेरिएबल का वर्ड कह लें, जिस तरह हम दूसरे कोई भी ये हो सकता है वर्ड। उसके बाद यहां पर हमारे पास कर्ली ब्रेसिस आ जाती हैं कि हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं, क्लास का नेम क्या होना चाहिए, पर्सन। जो पैरामीटर्स हम यहां पर पास करते थे वो हमें यहाँ पे रिसीव करनी पड़ती थी इस फंक्शन के अंदर ही एज एन आर्गुमेंट यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ES6 में उन चीजों को हमने किधर रिसीव करना है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर मेथड है, ये प्री डिफाइंड वर्ड है इसका भी, ये मेथड प्री डिफाइंड है, ये कंस्ट्रक्टर मेथड ही होगा, इसका नाम हमेशा कंस्ट्रक्टर ही होगा। और ये ऑटोमेटिकली जब भी हम यहां से एक न्यू इंस्टांस क्रिएट करेंगे इस ऑब्जेक्ट का, इस मेथड ने ऑटोमेटिकली ही चल जाना होता है। तो जो वैल्यूज हम यहां से इसे सेंड करेंगे वो वैल्यूज हमें किस जगह पे मिलेंगी, इस जगह पे एज अ पैरामीटर हमें मिल जाएंगी। इधर हमें किस जगह पर मिल रही थी, फंक्शन के साथ ही, ठीक है, लेकिन वो चीजें हमें इधर किधर मिलेंगी, कंस्ट्रक्टर मेथड में एज अ पैरामीटर्स। और बाद में जिस तरह हमने इसमें प्रॉपर्टीज को सेट किया था, सेम वैसा ही तरीका है इसमें, प्रॉपर्टीज हम एज इट इज ही सेट कर देंगे। सिर्फ सिंटेक्स चेंज है, बाकी सारा काम ये वैसा ही होने जैसा हो रहा था। क्लियर है, सिर्फ सिंटेक्स का फर्क है। तो इस तरह हम ES6 में क्लासेस को डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसे हम ES5 में कहते थे उसको ही ES6 में क्लासेस कहेंगे, और इस तरह हम फिर ऑब्जेक्ट जनरेट करना शुरू करेंगे, और कुछ भी फर्क नहीं है इसमें। लगी समझ? अच्छा, अब इसमें प्रोटोटाइप के साथ जो मेथड डिफाइन किए जाते थे, यहाँ पे फुल नेम, यहां पर हम क्या करेंगे, इस पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम यहां पर लिखेंगे फुल नेम, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है, फुल नेम। ये फुल नेम हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, हम इसमें इस तरह फुल नेम लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर पेरेंट्स, और यहां पे कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरह हम शेयर्ड मेथड, जो मेथड हम डिफाइन करते थे ES5 में प्रोटोटाइप के साथ, वो मेथड हम डिफाइन करेंगे ES6 में, सिर्फ नेम लिख के, मेथड का नेम लिखकर, और कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह उसमें बाद में अंदर से चीजें रिटर्न होकर काम हो रहा था, काम इसमें सेम वही होना है इधर भी, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है, ठीक है। हमने ये न्यू मेथड ES6 में ये वाला इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, ठीक है। अब हम क्लासेस के साथ वो काम करते हैं, ES5 में हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ वो काम करते थे ऊप वाला। क्लियर है? ऐसा पैरामीटर पास किए यहाँ पे एज, नहीं ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। अब इस चीज को आपने समझना है कि जो चीजें आप यहां से पास कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट, वो चीजें मिलने वाली हैं इस पॉइंट पे आपको। इधर आप किसी भी नेम से उन चीजों को रिसीव कर सकते हैं, आप इस इन पैरामीटर्स के कुछ भी नेम लिख लें। फर्ज करें मैं यहाँ पे एफ नेम लिख देता हूँ, और यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है, ये वाला, और ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये प्रॉपर्टी के नेम है, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह ये प्रॉपर्टी का नेम था और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो इधर ही ये प्रॉपर्टी का नेम है ये लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे अगर हम चाहें तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एफ नेम के अंदर वैल्यू वही है जो यहां से हम सेंड कर रहे हैं। क्या बिल्कुल कुछ भी पास कर सकते हैं, एज एन अरे भी पास कर लें, ऑब्जेक्ट पास कर लें, बुलियन वैल्यू पास कर लें, कोई भी चीज पास कर लें, ये कोई इशू नहीं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो ये तरीका है ES5 में ऑब्जेक्ट बनाने का। ओ
फंक्शन जिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने का, और ES6 में ये तरीका है हमारे पास, इनहेरिटेंस होती है वो भी हमने करनी है। काफी बड़ा टॉपिक है, थोड़े लिखे अब ये वो भी करते हैं, पहले ये चीजें क्लियर हो जाए ना। इनहेरिटेंस पे तो हम बाद में जाएंगे, अगर तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी फिर ही इनहेरिटेंस का पता लगेगा। हाँ, हम इसमें प्रोटोटाइप नहीं यूज करेंगे, वही तो इसने बताया कि यही तो कह रहा था, क्लास कंस्ट्रक्ट अलाउज टू डिफाइन प्रोटोटाइप बेस्ड क्लासेस विद अ क्लीन नाइस लुकिंग सिंटैक्स। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट ही प्रोटोटाइप यहाँ पे मेथड्स बनेंगे। अगर आप प्रोटोटाइप मेथड्स नहीं बनाना चाहते, फर्ज करें जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम मेथड यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर उस तरह के मेथड ही बनाने हैं जो शेयर्ड मेथड्स ना हो, तो वो हम इसके इस जगह पे बना सकते हैं सेम उसी तरह। मैं कहता हूँ दिस डॉट कैलकुलेट टैक्स, इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लिख सकते थे इस तरह, ठीक है। अगर इस तरह के हमें मेथड बनाने हैं तो हम इस जगह पे बनाएंगे जो मैथ काम हम इस तरफ कर रहे थे, दिस डॉट कैलकुलेट टैक्स इक्वल टू, हम इस तरह करते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो अगर इस तरह के मेथड आपने डिफाइन करने जो शेयर्ड ना हो, प्रोटोटाइप बेस्ड ना हो, तो वो आप इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कर लेंगे। नहीं, कंस्ट्रक्टर के बाहर जो करेंगे वो प्रोटोटाइप बेस्ड होंगे, जिस तरह ये फुल नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ये प्रोटोटाइप बेस्ड मेथड्स हैं। बिल्कुल, अच्छा क्लियर है यहाँ तक चीजें? हाँ, ये कीवर्ड, ये रिजर्व कीवर्ड है, आपने इस कीवर्ड को ही यूज करना है। जब भी आप यहाँ से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगेंगे, न्यू इंस्टांस क्रिएट करेंगे पर्सन का, तो सबसे पहले किस जिस मेथड ने रन होना है वो कंस्ट्रक्टर मेथड ही है, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी के अंदर ये सारे यहाँ से आर्गुमेंट्स जाएंगे जिसके साथ आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। नहीं, इसमें वो चीज नहीं है, इसमें डिस्ट्रक्टर नहीं। जी जी बिल्कुल नहीं, किसमें? वो PHP में भी होता है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। वो PHP में होता है क्योंकि PHP मैंने बहुत की हुई है, सी नहीं मैंने की। PHP में भी उस तरह ही काम किया जाता है लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टर के साथ काम करेंगे हम। क्लियर है? चलें, अब फिर अगर तो क्लियर है तो फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब इसका आउटपुट देखें। फर्ज करें हमने ये जो क्लासेस के साथ ये मेथड डिफाइन किए थे, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। अब अच्छा, जब आपको समझ लग चुकी है अब क्लासेस की, क्लासेस का सिंटेक्स क्या है, अब आगे क्लासेस की तरफ मूव करते हैं कि क्लासेस ने अब काम किस तरह करना है। यहाँ पर हमारे पास क्लासेस आ गई हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक तो पर्सन, इसको कंसोल किया हुआ आई थिंक, ठीक है, यूजर वन को। देखिए यहाँ पर यूजर वन का आपको डाटा शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको 1 2 3 किसी भी यूजर का डाटा यहाँ पे अब ले सकते हैं, सेम उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह दूसरे उसमें काम करता है। इसके अंदर अगर आपने फुल नेम को एक्सेस करना चाहते हैं जो शेयर्ड मेथड है, ठीक है, हम कहते हैं user1.fullname, इसको फुल नेम, ये शेयर्ड मेथड है, प्रोटोटाइप बेस्ड था, तो हम इसे अगर रन करेंगे तो इसने हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकैट करके वैल्यू दे दी, ठीक है। अच्छा, आप इनहेरिटेंस की तरफ, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिट करना क्या होता है, इनहेरिट वर्ड किस लिए यूज किया जाता है वैसे? प्रॉपर्टी गेन करने के लिए नहीं, वैसे विरासत,
इनहेरिटेंस इन सिंपल वर्ड, क्या कास्ट है आपकी, किस चीज ताई तो सी गाल करें दे प्रॉपर्टी गेन कर अच्छा अच्छा ये इनहेरिटेंस विरासत। अच्छा जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस क्या है, क्लास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। इनहेरिटेंस को यूज किया जाता है कि जो पहले जो हमारे पास क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है, कैन बी यूज्ड टू क्रिएट, कि हम अगर हम नई क्लासेस बनाना चाहते हैं बल्कि और मेथड्स सारे वो यूज करना चाहते हैं जो पहले से किसी क्लास में मौजूद हैं। फर्ज करें हम कुछ न्यू क्लासेस बनाना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमें बार बार ये कोड ना लिखना पड़े, ठीक है, जो जो मेथड हमने इसके अंदर बनाए हैं और जो कंस्ट्रक्टर मेथड इसके अंदर हमने पहले से डिफाइन कर दिए हैं उसका सिंटैक्स भी सेम वही होने वाला है, तो हम इसके लिए क्लास इनहेरिटेंस यूज कर लेते हैं। क्लास इनहेरिटेंस किस तरह काम करती है वो देखें। फर्ज करें हम यहाँ पर अभी एक न्यू क्लास बनाना चाह रहे थे, यहाँ पे हमारे पास पर्सन की क्लास पहले मौजूद है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स मौजूद हैं। हम चाहते थे एक न्यू क्लास बनाए सुपर ह्यूमन के नाम से और चाहते थे इसमें ये तमाम मेथड्स, अभी इसमें एक सिर्फ मेथड है, हो सकता है इसमें 500 मेथड्स मौजूद हो, हमें बार बार वो सारे मेथड्स लिखने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए हमने क्या एक न्यू क्लास बना ली और इसमें एक्सटेंड का कीवर्ड, ये कीवर्ड भी प्री डिफाइंड है, ठीक है, एक्सटेंड का कीवर्ड ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। इसी तरह हम इनहेरिटेंस करते हैं कि दूसरे क्लासेस जितनी भी है और दूसरे क्लासेस में जितने भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज वगैरह उसको एक्सटेंड कर दो, उसको बढ़ा दो आगे। तो हम यहाँ पे एक न्यू क्लास बना रहे हैं, एक्सटेंड किस चीज को कर रहे हैं, जो पहले से क्लास बनी पड़ी है हमारी, पहले से जो क्लास बनी थी उसका क्या नेम था, पर्सन। तो जब हमने ये मेथड फॉलो किया तो इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ था वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ये सुपर ह्यूमन कॉपी कर लेगा, ठीक है, ये सुपर ह्यूमन कॉपी कर लेगा। अच्छा इसका एक फायदा क्या है, हम वो वाली सारी चीजें तो यूज कर ही सकते हैं जो उसमें मौजूद थी, इसमें हम मजीद अगर हमें कुछ मेथड्स डिफाइन करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। वो मेथड हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इसके अंदर आप मेथड लिखना शुरू कर दें, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा से हाई। अब ये से हाई की जो है, से हाई मेथड जो है ये हमें सुपर ह्यूमन के अंदर तो मिल जाएगा लेकिन पर्सन में मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे जो यूजर फॉर मैंने क्रिएट किया न्यू सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, इधर से जो मैं वैल्यूज यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट सेंड कर रहा हूं ये हमें किस जगह पे मिलेंगी, ये सेम देखें यहाँ पे हम यहाँ पे तीन वैल्यूज सेंड कर रहे थे, हमें एज अ पैरामीटर ये इसके अंदर एज इट इज वैसे ही मिल जाएंगी, इस कंस्ट्रक्टर मेथड ने चलना है, ठीक है, उसके बाद ये फुल नेम ये भी मेथड बन जाएगा और हमारे पास से हाई ये वाला मेथड भी अब आ जाएगा। अब इसे कंसोल करके देखें हम यूजर फोर को, तो देखें एक हमारे पास पर्सन था और दूसरा हमारे पास सुपर हुमैन आ चुका है। सुपर हुमैन में एज है हमारे पास, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अब ये यूजर फोर था मेरे ख्याल से, ऐसे इसको हमने यूजर फोर कहा, यूजर फोर डॉट, देखें हम इसमें फुल नेम भी एक्सेस कर सकते हैं जो मेथड किस में बना हुआ है, पर्सन के, इसमें पर्सन के ऑब्जेक्ट में, और उसके अलावा एक और मेथड जो था से हाई, यूजर फोर डॉट से हाई, हाई एवरीवन, ठीक है। इसके अंदर से जो चीजें हम यहाँ पे कंसोल करवा रहे हैं ये वाला मेथड भी एग्जीक्यूट हो गया जी जी, ठीक है, तो मैं अभी अभी आपको करके दिखाता हूँ। और सारी चीजें हैं अभी हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करनी जी, क्या सिर्फ फंक्शन मेथड का नेम लिखेंगे, मेथड का नेम और कर्ली ब्रेसेस के साथ, हम अगर इनवॉक करना है तो हम क्या कहते हैं वो पेरेंट्स भी यूज करेंगे,
ठीक है, जिस तरह हम आम फंक्शन को यूज करते हैं, फंक्शन को यूज करने का सेम वही तरीका है, सिर्फ जब हम क्लास का नेम यूज कर, जब हम क्लास के अंदर किसी फंक्शन को लिख रहे हैं तो हम उसे क्या मेथड कह देते हैं, वरना आम जुबान में हम उसे फंक्शन कहते हैं। हमारे पास प्रोग्रामिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक प्रोसीजरल मेथड और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड। ठीक है, लाजमी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ ही काम करें, हम वो सारा काम जो हम आम तरीके से भी कर सकते हैं, जो हम ऊप के साथ करते हैं, और वो सारा काम हम ऊप के साथ भी कर सकते हैं जो आम प्रोसीजरल मेथड के साथ करते हैं, लेकिन ऊप में काम करने से हमारा जो कोडिंग का स्टाइल है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, समझ चीजों को समझने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हम एक जब हम मुख्तलिफ वेबसाइट वगैरह जब एप्लीकेशन बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को लेकर काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, फर्ज करें ना फेसबुक में आप देख रहे हैं, फेसबुक में आपके पास यूजर्स होते हैं, यूजर क्या है, यूजर एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके सारे जितने भी मेथड्स वगैरह होंगे हम उसके सारे मेथड्स हमारे पास एक जगह पे ही लिखे होंगे, कोड समझने में भी आसानी, डेवलपर्स को भी, किसी को हम अगर एज अ मॉड्यूल देना चाहें, अपना कोड देना चाहें, उसको देने देकर उसको समझाने में भी आसानी है, लेकिन अगर हम प्रोसीजरल मेथड के साथ ये काम करें तो उसमें ये चीजें आसानी नहीं होती, हमारे पास आसान नहीं होती चीजें। प्रोसीजरल जिस तरह हम आम सिंपली फंक्शन को किसी भी जगह पर लिख देते हैं उसको प्रोसीजरल कोडिंग कहते हैं। न क्लासेस के बगैर जो सिंपल वे से करते हैं आसान तरीके से। अब देखें जब मैंने आपको यहां पर ये सिखाया था, करना बताया था ये किस तरह कर रहे थे हम, जो मैंने जो इसकी कोडिंग करके रखी हुई है बैक पे वो ऊप के साथ करके रखी हुई है, लेकिन मैंने आपको जो यहाँ पे करना सिखाया था वो उस टाइम ऊप के साथ नहीं करना सिखाया था, क्योंकि ऊप के साथ करने में लॉजिक लिखना समझना और इंसान ने फिर अपने हिसाब से करनी होती है कोडिंग, लेकिन प्रोसीजरल कोडिंग में समझाना एज अ स्टूडेंट आपको समझाने में मुझे बहुत आसानी थी, मैंने आपको वैसे समझा दिया, लेकिन अगर आपने इसको ऊप में लेकर जाना है तो आपने उसके लिए लॉजिक आपको खुद से फिर लिखनी पड़ेगी। काम करने के दो तरीके हैं, प्रोसीजरल और ऊप के साथ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ। अब कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कोड को आसान किस तरह कोडिंग करना चाहते हैं, काम दोनों तरीके से हो जाते हैं। तो क्लियर है यहां तक आपको, मेरे ख्याल से नहीं लग रही थी, आप आगे भी डिस्कस कर रहे थे, नहीं डाउट है तो पूछे ना सवाल, दूसरों को भी डाउट वो हो जाए, किस चीज की समझ नहीं लगी इसमें, एक्सटेंड करने में समझ नहीं लगी, प्रोटोटाइप की समझ नहीं लगी। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम यहां पर चलें प्रोटोटाइप में आपको एंड में दोबारा बताता हूं, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ लग जाएगी। अच्छा यहां तक चीजें क्लियर हैं, एक्सटेंड करना कि हमने एक क्लास बनाई, हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं कि एक न्यू क्लास बना सकते हैं, और जो पहले हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं उसकी अगर हमने मेथड्स को यूज करना है तो हम उसके लिए इनहेरिटेंस कर लेते हैं। इनहेरिटेंस के लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वो है एक्सटेंड का, एक्सटेंड करके जिस क्लास को एक्सटेंड करना हो वो चीज बाद में आ जाएगी, जो न्यू क्लास बनानी है हमने वो पहले आ जाएगी। ठीक है, और पीछे उसके क्लास का कीवर्ड यूज करना है। और ये क्या हो गया, अच्छा अब यहां पर ये आपने पूछा था कि अगर, बल्कि आपने पूछा था मेरे ख्याल से कि अगर हम यूज करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर दोनों में,
तो वो किस तरह कर सकते हैं, जूम कर दें अब बेहतर है। फर्ज करें हमें कुछ इसमें, तो फर्ज करें ना, अभी हमने जो लास्ट टाइम देखा था, हमने सिर्फ मेथड्स को नए मेथड्स बनाए थे, प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम वही थी, लेकिन हमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज भी देने की जरूरत पड़ जाती है। हम कुछ न्यू प्रॉपर्टीज भी सेट करना चाहते हैं जब हमने एक्सटेंड करवाना है न्यू ऑब्जेक्ट में, तो फिर किस तरह हो सकती थी ये चीजें, फिर हमारे पास ये चीजें इस तरह होंगी कवर। हमने कंस्ट्रक्टर मेथड इधर दोबारा लिखना पड़ेगा, जितने आर्गुमेंट्स यहां पे आएंगे हमारे पास, यहां से हम चीजें सेंड करेंगे, उन पैरामीटर्स को हम सेम एज इट इज यहां पे रिसीव कर लेंगे। चलिए इसको दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा देखिए, जब हमने एक्सटेंड किया था मेथड को, ठीक है, हम जो चीजें यहां से सेंड कर रहे थे एज एन आर्गुमेंट, वो हमें किसमें मिलती हैं, कंस्ट्रक्टर में मिलती हैं, ऐसे ही है। अगर हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत ना पड़े कंस्ट्रक्टर में, हमने पहले वाला जो मेथड डिफाइन किया हुआ है पहली क्लास में, हमें सेम वही प्रॉपर्टीज रिसीव करने की जरूरत है, तो फिर तो हम कंस्ट्रक्टर दोबारा यूज नहीं करेंगे, हम दोबारा इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हमें यहां से मजीद प्रॉपर्टीज सेंड करने की जरूरत पड़ रही है, मजीद आर्गुमेंट्स सेंड करने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें यहां पे कंस्ट्रक्टर मेथड को दोबारा से लिखना पड़ेगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे कहता हूं कि ये सुपर हुमैन है, सुपर हुमैन के पास एक पावर भी है किसी किस्म की, कौन सी पावर है, हाँ कौन सी है, कैप्टन, चलें कोई भी यार कुछ भी दे दें इधर। अब हमें ये कैप्टन को भी रिसीव करने की जरूरत है, तो ये कैप्टन जो हमने यहां से सेंड किया, ये हमें किस चीज में मिल जाएगी, इधर पावर में, ठीक है, इधर पावर में मिल जाएगी। अच्छा, हमारे पीछे वाले जो हमने जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, उसे हमें कितने वैल्यूज पास करने की जरूरत है, तीन वैल्यूज पास करने की जरूरत है, तो हमें इस कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर सबसे पहले जो फंक्शन चलाना पड़ेगा वो है सुपर, ये सुपर कीवर्ड, ये भी रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। जब हम इस सुपर को कॉल करेंगे तो सुपर ने क्या करना है, अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन करना है। अब इसके पेरेंट को कितने आर्गुमेंट्स की जरूरत थी, तीन की, तो हम इसको तीन वैल्यूज ही यहां से पास कर देंगे, हमने यहां से इसको तीन वैल्यूज ही पास कर दें। और जब ये जो पावर जो हमारे पास बच गया पीछे, इस पावर को हम उसी तरह सेट कर लेंगे जिस तरह सेट किया जाता है, दिस डॉट पावर इज इक्वल टू पावर, नहीं पेरेंट की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, क्योंकि देखिए ना, हमने यहाँ पे सुपर हमने बताया कि जो सुपर का जो है, जो इसके पेरेंट का जो है कंस्ट्रक्टर मेथड, उसको उन्हीं चीजों के साथ चला दो, ठीक है, जो वैल्यूज हमने यहां से सेंड कर दी, जो वैल्यू यहां से हमने सेंड कर दी, इसका पेरेंट जो है, पेरेंट क्लास जो है, इसको सेम कंस्ट्रक्टर मेथड में वो इस तरह ही मिल जाएंगे एज इट इज। सबसे पहले क्या चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर सेट होगा, ठीक है, फिर एक यहां पर न्यू प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी जी, क्या हाँ? नहीं, ये ऊपर एक्सेस नहीं होगी, ये पेरेंट को एक्सेस नहीं होगी, उसमें तो सिर्फ तीन चीजें ही है ना, उसको ये चीजें एक्सेस नहीं होंगी, उसमें सिर्फ वही चीज चल रही है, ठीक है, इस पर्सन ने सेम एज इट इज ही रहना है, पर्सन में कोई चीज चेंज नहीं हो रही, ये जो चीजें चेंज हो रही हैं वो एक्सटेंडेड क्लास में जो चाइल्ड क्लासेस जो बन रही हैं वो उनमें सिर्फ चेंज हो रही हैं, क्लियर है। चलें अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं।
यहाँ पे यूजर फोर था, यूजर फोर। अच्छा ये देखें, यूजर फोर में एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पावर भी उसकी आ गई है, ठीक है, जो हमने कैप्टन सेट किया था। क्लियर है? अच्छा उसके बाद एक कॉन्सेप्ट, शायद ये दूसरी लैंग्वेजेस में ना हो, इसमें है, वो देखते हैं हम, गेटर और एंड सेटर का है उसमें भी। किस लैंग्वेज में है? सी प्लस प्लस में है। सी प्लस प्लस में होगा, और किस में है? पाइथन में भी है। सी प्लस प्लस में भी है, किस में? इनकैप्सुलेशन में। जी हम यूज कर तो रहे हैं। वो हमने ट्रक में एक्सेस कर तो लिए, हमने क्या करना हो? हाइड करना हो मतलब, इसमें मेरे ख्याल से वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, वो पब्लिक प्राइवेट वाली वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, वो पीएचपी में है, वो इसमें नहीं है। अब तो मुझे पीएचपी किए को भी 4 साल हो गए हैं यार। आपने अभी भी थ्योरी पढ़ी है ना, आपके जेन में होगी, और मेरे 4 साल हो गए छड्डे। अच्छा नहीं, अब सारी सी बात, इंसान का माइंड है वह उसमें चीजें, अब मैं उसको वो तो नहीं कर सकते, मैंने रट्टा लगा के किसी भी चीज का नहीं रखा हुआ। जब हमने यहाँ पे आके पढ़ाना है ना, फर्ज करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड में होते हैं। अगर तो आप किसी भी चीज का रट्टा लगा लें तो आप उस चीज को डिफाइन भी नहीं कर सकते सही से, सिर्फ रट्टे की बेस पे, और रट्टे की बेस पे कोई भी काम जिंदगी में नहीं होता। रट्टा सिर्फ पेपर में पास होने के लिए, और वहां पे भी नहीं चलता। मैंने अपने बीकॉम का जो एग्जाम दिया था, ठीक है, उसमें भी सिर्फ किताबों को पढ़ा हुआ था, और बहुत पहले पढ़ा हुआ था, जाके वहां पे एग्जाम में जो भी सवाल आया था कॉन्सेप्ट की बेस पे सारा कुछ लिखना शुरू किया था, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यानी कि टॉप किया था अपने कॉलेज में, ठीक है। यानी कॉन्सेप्चुअल चीजें, कॉन्सेप्ट सिर्फ जेन में रखें और लिखना शुरू करें खुद से। अच्छा देखें, गेटर्स एंड सेटर्स। अच्छा गेटर और सेटर कोई खास ये नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज है। यहाँ पे गेटर और सेटर, जिस तरह हमने दूसरी चीजें लिखनी है वो एज इट इज ही काम करती हैं। जो मेथड हम गेट के साथ बनाएंगे वो प्रॉपर्टीज को गेट करने के लिए हम यूज करते हैं। फर्ज करें हमें यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है और टाइप है। यहाँ पे ये यूजर सिक्स बना हुआ है हमारे पास। अच्छा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि ये कोई चीज ऐसी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की चीज है, कोड कोड लिखा देखने का कोई मकसद नहीं है इसमें। यहाँ पे हमारे पास यूजर सिक्स मौजूद था,
यूजर सिक्स मौजूद है हमारे पास। इसमें मैं कहता हूं कि फर्स्ट नेम जो मैंने पास किया, यहां पे हम टाइप को पास कर रहे हैं। यूजर सिक्स, यहां पर यूजर सिक्स में देखिए हमारे पास एक एज मौजूद है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और टाइप मौजूद है। मैं इसमें से टाइप किस तरह एक्सेस कर सकता हूं? यूजर्स सिक्स डॉट टाइप, इसने मुझे सुपरमैन लाकर दे दिया। इसके बाद मैंने कहा यूजर टाइप, यहां पे ये गेटर मेथड मैंने डिफाइन किया। सिर्फ इसके पीछे वर्ड क्या यूज होता है, कीवर्ड हम लिख देते हैं गेट। इसके बाद मैंने एक मेथड बनाया यूजर टाइप। अब यूजर टाइप अंदर से क्या चीज रिटर्न कर रहा है, दिस डॉट टाइप। अगर मुझे ये मेथड एक्सेस करना हो तो वो किस तरह करेंगे मेथड एक्सेस? नहीं, यूजर सिक्स ही था ना, यूजर सिक्स डॉट गेट टाइप आया नहीं, और यूजर टाइप, सॉरी। यूजर टाइप, अच्छा जो मेथड वैसे हम लिखते हैं उसके अंदर से चीजें एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं ना, फंक्शन। वो फंक्शन है हमारे पास, हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब उसके अंदर की चीजें रिटर्न होकर आती हैं हमारे पास। लेकिन जो चीज हमने गेटर के साथ, ठीक है, गेट कीवर्ड के साथ किया, उसके अंदर से डाटा लेने के लिए हमें फंक्शन को इन्वोक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ उसका नेम देंगे गेटर मेथड का और उसके अंदर से हमें चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, ये क्यों यूज की जा सकती है? फर्ज करें आपका ने कुछ डाटा सेट किया हुआ है, लेकिन जब भी आप शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, या इसके लिए सिक्योर करना चाहते हैं कि आप, या उसमें कुछ मेथड यूज करना चाहते हैं। फर्ज करें मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि आप चाहते थे कि यूजर कोई भी डाटा सेट कर दे, यूजर का कोई भी डाटा मौजूद हो किसी भी तरह से। इसमें देखें दोनों साइडों पे स्पेसेस हैं, लेकिन जब आप बाद में दोबारा अपने वेब पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, यूजर ने किसी भी तरह डाटा दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि जब भी वेब पेज पे दोबारा ये चीजें शो हो, ये किस तरह शो हो, ये ट्रिम होने के बाद ही शो हो, ठीक है, इसके ये जो व्हाइट स्पेसेस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाया करें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वो चीज डिफाइन कर दें, सिर्फ दिस डॉट टाइप डॉट ट्रिम। कि अब जब भी हमारे पास हम टाइप लेंगे, ठीक है, इसमें ट्रिम ऑटोमेटिकली पहले से ही यूज हुआ होगा। यूजर सिक्स डॉट टाइप, इसकी वैसे सुपरमैन है, लेकिन जो गेटर मेथड के साथ अब हम रिसीव करेंगे यूजर टाइप, देखें, ठीक है, उसमें वो मेथड ऑटोमेटिकली पहले से इंप्लीमेंट हुआ पड़ा है हमारे पास, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे फर्ज करें ना, हमें बहुत सारी, अभी ना मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दी है ट्रिम की, हमें और बहुत सारी वेरिएशन लगानी हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ स्पेशल करेक्टर्स रिमूव करने हो, हम हर मरतबा नहीं करना चाहते, तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ही गेटर मेथड बना लिया कि उस पर जितने भी बाद में हमने करनी है। यार मेरे जहन से कुछ कीवर्ड्स वर्ड्स निकल गए हैं, चलिए याद आते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ क्या वर्ड थे, चलें छोड़ें। और बहुत सारा कोड अगर हमने इसके अंदर करना हो, ठीक है, तो वो यूजर टाइप के अंदर हमने पहले से कैलकुलेशन कंप्यूटेशन जो भी करनी है वो हमने पहले से करके रख ली, और उसने हमें सिर्फ क्या कहते हैं रिजल्ट जो उसका आउटपुट है वो वैसे दे देना। लग रही समझ?
इसी तरह जब हमने यहां पे सेटर करना है, सेटर जब हम यूज कर रहे हैं कि मोस्टली जो है यहां पर गेट करने के लिए और सेट करने के लिए एक जैसी चीजें यूज होती हैं। फर्ज करें हमने यहाँ पे यूजर की टाइप को चेंज करना था, इस टाइप को चेंज करना था, तो हमने क्या किया यहाँ पे यूजर सिक्स डॉट यूजर टाइप इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रखता हूं पहले सुपरमैन है, मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन रख देता हूं, स्पाइडरमैन, ठीक है। अच्छा अब यहां पे से जो वैल्यू जा रही है स्पाइडरमैन, वो चीज मिलने वाली है हमें इस टाइप के अंदर, इस टाइप के अंदर मिल गई हमें। जो इसकी जो टाइप थी इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की, ओ सुपर सुपरमैन की जो टाइप जो थी, इसकी टाइप बन जाएगी स्पाइडरमैन। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्पाइडरमैन यूजर जो भी एंट्री दे रहा है हम उसको पहले से ही वैलिडेट कर लें। वो किसी भी तरह से डाटा दे रहा है, हम उसके वाइट स्पेसेस को खत्म करवाने के बाद ही सेव करवाएं हमेशा। तो मैंने क्या किया, दिस डॉट टाइप इज इक्वल टू, जो जो टाइप यूजर हमें सेंड कर रहा है उसको पहले से ही यहां पे ट्रिम कर दो, यहां पे ट्रिम कर दो। तो ये जो भी डाटा स्ट्रिंग जो सेव होगा वहां पे क्लास में, उसके वाइट स्पेसेस पहले से ही यहां पे गायब हो जाएंगे। अच्छा यूजर सिक्स, यूजर सिक्स डॉट टाइप, अच्छा देखें यहाँ पे स्पाइडरमैन हमारे पास यहाँ पे अब वाइट स्पेसेस के बगैर आ गया। तो यही सिर्फ गेटर और सेटर का यही, यानी कि है कि हम इनमें कोई भी चीज गेट करनी है या सेट करनी है। क्या बात है हमजा, जो बात उससे पूछ ले मुझसे पूछ ले, जिस चीज की समझ नहीं लग रही आप उससे पूछ रहे हैं वो यहाँ पे आप मुझसे पूछ लें, बाकियों को भी पता लग जाए। अच्छा रिवाइज कर दें, अच्छा गेटर एंड सेटर को दोबारा रिवाइज कर देते हैं। अच्छा गेटर और सेटर ऐसे मेथड जिसे हम यूज करते हैं उसके बगैर, पेरेंट्स के बगैर, अगर हमने किसी भी क्लास के अंदर से कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, हम उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें गेटर मेथड बनाने का फायदा सिर्फ ये है कि अगर हमने कोई वैलिडेशन वगैरह करनी है वो हम प्री वैलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास या तो ये हो सकता था कि हमारे पास यूजर सिक्स मौजूद है, यूजर सिक्स, उसमें हमारे पास टाइप जो है सुपरमैन, हम इसे एक्सेस करने के बाद इसे ट्रिम करके शो करवा दें वेब पेज पे, प्रिंट करवा दें, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ट्रिम, हमने एक जगह ट्रिम यूज किया, अगर हमें दूसरी जगह इसको यूज करना है तो हमें बार बार ट्रिम करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम बार बार इस चीज से बचने के लिए हमने गेटर मेथड को यूज कर लिया कि जब भी हम गेट करें ट्रिम ऑटोमेटिकली हो जाए हमारे पास, टाइप के अंदर कोई भी वैल्यू है वो पहले से ही ट्रिम होकर ही हमारे पास आए, हमें बार बार ट्रिम करने की जरूरत ना पड़े। इसी तरह जो हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, यूजर कोई भी वैल्यू दे रहा है सेट करने के लिए, उसमें चाहे जितनी भी स्पेसेस मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि वो स्पेसेस ऑटोमेटिकली खत्म कर दें, यूजर कुछ भी डाटा हमें देता रहे, तो उसके लिए हम सेटर को यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम कोई भी फंक्शन चला सकते हैं, इस पे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना या नंबर में कन्वर्ट करना या इसके साथ कुछ भी करना, कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं इन शॉर्ट वर्ड। जितने चाहे आप ये इस्तेमाल कर लें, क्या नहीं, रिटर्न तो एक ही होती है चीज, रिटर्न तो किसी भी फंक्शन के अंदर से एक चीज ही रिटर्न होती है। फर्ज करें ना यहां पे यूजर कुछ सेट करवाता है सुपरमैन,
वो एस इसका वो दे देता है, शॉर्ट दे देता है, वो लोअर केस में दे देता है, इसके आर को कैपिटल कर देता है। ठीक है, तो आप सेटर मेथड के अंदर कुछ पहले से लॉजिक ऐसी लिख सकते हैं कि ये कैपिटलाइज होकर ही हमारे पास सेव हो डेटाबेस में, वो हम सेटर मेथड में कर सकते हैं। और इस तरह जो करना चाहें, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, वो हम सेटर मेथड में पहले से ही लिख कर सकते हैं कि इस पे ये ऑपरेशंस ही अप्लाई होने चाहिए। इसकी एग्जांपल करके दिखा दें सेटर की। मैं भी क्या कहता हूँ, लेट फर्स्ट वर्ड टाइप डॉट करेक्टर एट 0 2 पर केस सामने की वेलकम सलाम क्लास से तकरीबन 15 मिनट होते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ 5-10 मिनट में कंप्लीट कर। ठीक है चलिए हम देखें। यहां पर हम उधर से सेट करवाना चाहते थे कोई भी यूजर की टाइप, यूजर किसी भी तरह से हमें स्ट्रिंग दे दे, हम चाहते हैं कि उसका पहला जो है वर्ड, ओ पहला कैरेक्टर जो है वो अपर केस में हो, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में ही सेव हो। ठीक है, उसकी टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाया करे, और उसमें अगर यूजर ने वाइट स्पेसेस वगैरह कुछ भी दी है वो सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाया करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्ज करें सबसे पहले हम करेंगे लेट, मैं इसे कहता हूं गिवन डाटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास यूजर के पास से चीजें आ गई हैं। ठीक है, टाइप उसमें से हमने सबसे पहले वाइट स्पेसेस खत्म कर दी। अच्छा, वाइट स्पेसेस खत्म करने के बाद हमने उसमें से पहला वर्ड निकाल लिया। ठीक है, पहला वर्ड निकाला और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा बाकी जितने भी बच गए अदर करेक्टर्स, हम कहते हैं इसे फर्स्ट करेक्टर। अच्छा, बाकी जितने भी हमारे पास करेक्टर से उसे निकालने के लिए हमने क्या किया, गिवन डाटा डॉट स्लाइस। ठीक है, पहले इंडेक्स से जितने भी आगे वर्ड्स मिल रहे हैं उन सारों की कॉपी बना के उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे, टू लोअर केस कर दे। उसके बाद मैंने फर्स्ट कैरेक्टर प्लस अदर कैरेक्टर्स इन दोनों को कंकैट करके इसकी टाइप में सेव करवा दिया। अब मैं अगर यहां पर करूं यूजर सिक्स डॉट क्या था, यूजर टाइप, यूजर टाइप इज इक्वल टू, मैं किसी भी तरह लिख दूं, यहां पर क्या लिख दूं, मैं कहता हूं 3 दफा मैंने स्पेसेस दे दी यहां पे मैंने, और किसी हीरो का नाम बताएं यार, आयरन मैन, मैंने आई छोटा लिख दिया, आर बड़ा लिख दिया, फिर ये मैंने इस तरह चवल मार दी। अच्छा, कुछ भी इस तरह कर दी। यूजर फर्ज करें ये यूजर डाटा दे रहा है आपको इनपुट फील्ड में, ये यूजर इनपुट फील्ड में इस तरह का डाटा दे रहा है, लेकिन आपने डेटाबेस में ठीक तरीके से डाटा सेव करवाना है। अच्छा, जब ये वैल्यू सेट होगी तो हमारे पास किस तरह सेट होगी, जो लॉजिक हमने अंदर सेटर मेथड के अंदर पहले से लिख दी है। ठीक है, अब देखें यूजर सिक्स के अंदर हमारे पास किस तरह डाटा सेव हुआ, टाइप ये आयरन मैन बिल्कुल जिस तरह होना चाहिए था डाटा। ठीक है, जिस तरह हमने डेटाबेस में हमने सेव करवाना है हमने उस तरह ही सेव करवाना है, यूजर पावे जो मर्जी करता रहे, तो उसके लिए हम सेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, लग गई समझ। अच्छा, तो ये था गेटर एंड सेटर, और हमारे पास ES6 के जो है, ठीक है, ES6 में क्लासेस को किस तरह लिखा जाता है, ES5 में किस तरह लिखा जाता था,
ये मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन भी दिखा दिया, और इस तरह ही हमने आगे यूज करना है इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, क्लियर है चीजें? चलें, आज ना हमें कुछ जल्दी है, यहाँ पे लैब में यहाँ पे कुछ वो एग्जाम्स वगैरह होंगे, तो हमें लेक्चर को थोड़ा जल्दी वाइंड अप करने की जरूरत है, तो इसको रिकॉर्डिंग भी बंद करते हैं।